गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने चैप्टर थर्ड के बारे में बेसिक देखा था। आज अपन चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 56 पर एक्सरसाइज 3.1। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इसके आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको उस लाइन का नाम बताना है। कौन सी लाइन का, एक तो हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। देखिए अपन ने देखा था ग्राफ में इस तरह की टू लाइंस होती है, एक अक्ष एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो अपन ने देखा था कि जो ये हॉरिजॉन्टल वाली है ना लेटी हुई, जिसको अपन ने एक्स और एक्स डैश नाम दिया था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले में आपको क्या आंसर करना है, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल में वाई एक्सिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्मड बाय दीज टू लाइंस। आपको बताना है कि इन दोनों लाइनों से जो फोर प्लेन बनेंगे ना आपको उसका नेम बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये दोनों लाइन है ना, दोनों लाइन कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कौन से फोर पार्ट बना रही है, उन चारों के आपको नाम लिखना है। तो देखिए कुछ इस तरह से, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करके जो फर्स्ट पार्ट बनाती है, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए 90 से 180 तक में क्या बनाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स तो नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 180 से 270 तक। ठीक है, जिसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये सब अपन प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 270 से 360, और ये कौन सा बनाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो टू लाइंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो फोर पार्ट बनाती है, कौन कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर ईच टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। आपको बताना है कि जहां पर ये दोनों लाइन कट कर रही है ना, इंटरसेक्ट का मतलब काटना, उस पॉइंट का नाम बताना है। तो देखिए एक्स और वाई इस पॉइंट पर कट हो रही है, यहाँ पर दोनों कट हो रही है, और अपन जानते हैं इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये अपन ने 8th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, जहां पर दोनों एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ओरिजिन पे एक्स भी 0 एंड वाई भी 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पर रफ डायग्राम बनाया है। इस तरह से ये रफली डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम की हेल्प से अपन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आपको ये डायग्राम आपकी बुक से बनाना है। आपकी बुक में पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए पॉइंट बी है ये, कोऑर्डिनेट में अपन पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर किसकी लिखते हैं, वाई की। तो देखिए बी में एक्स की वैल्यू तो क्या आ रही है, -5, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 एंड 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहाँ है, ये रहा, वापस आपको पहले एक्स की फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। तो सी के लिए देखिए एक्स की वैल्यू तो आ रही है 5 और वाई की वैल्यू आ रही है -5, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 एंड -5। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 है। -3 का मतलब एक्स की वैल्यू -3 है, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू -3, और वाई की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू ये भी -5, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ई। तो आपको लिखना है ई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 और -4। आपको उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है
जिसके कोऑर्डिनेट 2 और -4 है। पहले 2 आ रहा मतलब x की वैल्यू तो आ गई 2, फिर y की वैल्यू कितनी दे रखा है -4, तो देखिए ये 2 और ये -4, कौन सा पॉइंट आया g, तो आपको आंसर में कितना है पॉइंट g। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ x ऑफ पॉइंट d, आपको d पॉइंट के लिए x की वैल्यू बताना। तो देखिए ये रहा d और d के लिए x की वैल्यू क्या है 6, तो आपको इसमें फिल करना है 6। नेक्स्ट देखिए सिक्स वाला, द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है वैल्यू ऑफ y किसके लिए पॉइंट h के लिए, तो देखिए ये रहा h, h के लिए y क्या हो जाएगा -3, तो आपको इसमें फिल करना है -3। नेक्स्ट देखिए सेवंथ वाला, द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब x और y दोनों की वैल्यू ऑफ पॉइंट l, देखिए l, l का है ये रहा, l कौन सी अक्ष पे है y अक्ष पे, और y अक्ष पे अक्ष की वैल्यू क्या होती है 0, x अक्ष पे y 0 और y अक्ष पे x 0, तो l के लिए देखिए y की वैल्यू आ रही 5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो कोऑर्डिनेट 0 5। नेक्स्ट देखिए एट वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, पॉइंट m के लिए देखिए पॉइंट m x अक्ष पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू तो -3 और y की वैल्यू 0। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप, फर्स्ट फिल अप देखिए, द हॉरिजॉन्टल लाइन x o x डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन यही होती है x o x डैश, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे x एक्सिस, तो फर्स्ट वाले फिल अप में आपको फिल करना है x एक्सिस। नेक्स्ट देखिए सेकंड फिल अप क्या है आपका, द एक्सिस डिवाइडेड द कार्टेशियन प्लेन इन टू, देखिए ये एक्स और वाई दोनों मिलके जो कार्टेशियन प्लेन है उसको फोर पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 3 4, तो ये चारों पार्ट को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, तो आपको क्या फील करना है क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपको क्या फील करना है 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिलिप्स का, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है जहां एक्स और वाई क्रॉस करती है इंटरसेक्ट करती है, तो एक्स और वाई को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं कौन सी अक्ष पे y अक्ष पे, तो देखिए y अक्ष पे अक्ष तो हो जाएगा 0 और y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और y, y की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द एब्सिसा, आपको